एक आदमी दो महीने से मेहनत कर रहा, एक आदमी एक दिन मेहनत करके रिजल्ट चाहे तो नहीं मिल सकता ना। इसी नाते मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी को निकल करके क्षेत्र में काम करना चाहिए, अपने लोगों को उसके द्वारा संगठन बनाना चाहिए, और विधानसभा में बोलने से और सरकार नहीं बनेगी, नहीं जीतेंगे। तो हार का पूरा दारोमदार आपके हिसाब से अखिलेश यादव के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि निकले नहीं। हार तो हम भी हार पहन लिए, हम गठबंधन में हैं तो वही कहे, हम भी तो हार पहने हैं। आगे का स्टेप क्या होगा सर आपका? हम हैं, गठबंधन है, उनको समझाएंगे कि निकलो, चलो संगठन बनाओ, कमरे से निकलो बाहर, कमरे में न रहो, कमरे से राजनीति नहीं होगी। मैं खुद गवाह हूँ, आजमगढ़ में हमारी 324 फौज, हमारे नेता गांव-गांव अलग जगा रहे हैं, हम अपना वोट डलवाने में लगे हैं, और ये बैठ करके कमरे में क्या कर रहे हैं? मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, 4 बजे तक दोस्तों के साथ रहते हैं, ये बात तो आप सही, मतलब आप तो सही सिद्ध कर रहे हैं इसको? हो सकता है योगी जी उनके साथ सोते हों। हम तो कभी नहीं सोए कि हम बता दें कब उठते हैं कब नहीं जागते हैं। गुड्डू जमाली है बहुजन समाज पार्टी से, आजमगढ़ से, बहुत बड़ा, बहुत वोट काटे हैं समाजवादी पार्टी का, बिल्कुल टक्कर में बराबर रहे। देखिए गुड्डू जमाली जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बसपा को आदेश हुआ कि वहाँ मुसलमान लड़ाना है मजबूत, तो फिर गुड्डू जमालू को बुलाया गया ना। अच्छा, बुला मिली भगत है सर बीएसपी और बीजेपी। अच्छा 22 के चुनाव में आप ही लोग ने कहे कि बसपा बी टीम है, और बसपा जो 4-4 बार सत्ता में रही हो और इस स्तर तक आ गए कि एक सीट जीती हो, और रामपुर क्यों नहीं लड़ी बसपा, सवाल है ना, क्यों नहीं लड़ी? पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव न लड़े, ये क्या दिखता है? अच्छा सर एक अहम सवाल, आप इस कार्यक्रम में आप आए हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन, आरक्षण बचाओ, मायावती भी इसकी बात करती रही है, मायावती क्या अपने रास्ते से भटक गई क्या? आप उस चेहरे पर उनके सामने आना चाहते हैं आरक्षण बचाने? हम उनके चेहरे या उनके आंदोलन पे नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज को मानते हैं, गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते हैं। हम जो नुकसान हो रहा है, सारे सरकारी संस्थाएं प्राइवेट को जा रहे हैं, तो प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं, तो अब प्राइवेट में जा रहा है तो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन हो, और हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1932 में रिजर्वेशन अंग्रेजों से लड़के दिया था, तो हम आरक्षण बचाने के लिए मायावती जी नहीं बोल रही हैं, आरक्षण बीजेपी के साथ जो उनका सपोर्ट कर भाई, आरक्षण जो लूट रहा है, कौन लूट रहा है? भारतीय जनता पार्टी। सपोर्ट किसको कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को। सर आखिरी सवाल है, नसीहत क्या अखिलेश यादव के लिए है? 2024 भी अब करीब है, वो घर से निकलें, चलें संगठन बनावे, कमरा में बैठे न। योगी जी जो आप बता रहे हैं कि योगी जी कहते हैं 12 बजे सो के उठते हैं, तो योगी जी वो दोनों लोग एक साथ न सोएं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो उनका चुटीला अंदाज है उसके लिए जाने जाते हैं, फिर से वही बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कमरे में सोए ना, अब बाहर निकले, जो अभी जो स्थिति परिस्थिति अभी हुई है ये और भी ज्यादा खराब हो सकती है, 2024 की तैयारी में जुट जाएं। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम गठबंधन में तो अभी हैं जरूर, हमारे साथ निकलें, और पहले भी उन्होंने ये बात जरूर कही थी इस बात को लेकर कि अखिलेश यादव मेहनत नहीं कर रहे हैं, दोनों जगह पर चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन अभी फिलहाल इनका कहना है कि घर से निकलना बहुत जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि 2024 भी अब करीब है। सर हमारे साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, बिल्कुल।